हाँ जी, सत श्रीकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल दिलजोत परमार। दोस्तों अज की वीडियो असं लैके आए हैं हिंदी का, ठीक है। सो हिंदी का पेपर हिंदी का लैके आवेंगे, ठीक है। सो अज की वीडियो आप करना की है, ठीक है। सो ये पेपर ना देखो कहूँगा कि वो ही पेपर दोबारा हल करा लगा। मैं चैनल से तीन पेपर अपलोड किए हुए जो कि थानू कमेंट सैक्शन चो PDF मिल जूगी, वो चैकआउट कर लियो, उस बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो मैं थानू दसूंगा कि, ठीक है। सो इस वीडियो मैं थानू ओल्ड पेपर्स जो प्रीवियस पेपर्स आ उहदे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दसूंगा, ते की कहिंदे आ ग्रामर तो चलो हो ही जाऊगी, ठीक है अपने को, ते कि पैराग्राफ इंपोर्टेंट है, कि लैटर इंपोर्टेंट है, ठीक है, ते प्रतिवेदन वगैरह बहुत सौखे सौखे आ। सो आपां करते हैं पूरी वीडियोस, इस वीडियो तुहाडा सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जूगी। सो इस वीडियो नूं तुसीं ना स्किप करियो, ठीक है। लाइक कर दियो ते कर दियो कमेंट एक प्यारा जिहा। सो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो पहला आप देख लेते हैं एक समय प्रबंधन, ठीक है। सो करना की आ समय प्रबंधन लिए प्रेशन नहीं लिखने, ठीक है। सो प्रेशन कोई नहीं लिखता तो सारे नो पता है ना, ते अपने किसी प्रकार की कटिंग से बचना है, ठीक है। आपने कोई भी कटिंग नहीं करनी है कि आपके नंबर एग्जामिनर नहीं काट सके। सो थोड़ा ध्यान से करिएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी लिखाई साफ करें और पढ़ने योग्य हो, ठीक है। सो रंग बिरंगे पेन इस्तेमाल ना करें, जेल पेन का प्रयोग ना से बचें, ठीक है। जेल पेन का प्रयोग ना करें तो रंग बिरंगे पेन ना करें, ठीक है। सो सफाई लिखाई ठीक है साफ जी रखियो, ठीक नॉर्मल जी, जिन्हें वधिया नहीं हैगी ते पढ़न योग हो गए बस वो। उस तो बाद है जी अपढ़ित ज्ञान में अटिक, मतलब सही, ठीक है। उन्होंने चंगी तरह पढ़े क्योंकि वो फ्री दे नंबर आ। उस तो बाद फिर मैं थानू दसना चाहता किन्ने नंबर का पेपर आना, ठीक है। सो जिमें देख सकते हो संधि समास भाववाचन संज्ञा निर्माण, हाँ जी। उस तो बाद देख सकते हो कि कहते आ जाता पर्यायवाची, ठीक है। सो इन चारों याद कर लियो, इन्हों चो MCQ थोड़े तो पूछे जाऊंगे संधि भाववाचन भाववाचक, ठीक है। सो अपने एक प्री बोर्ड पेपर नाल रखो, तो सारा पैटर्न नाल दे नाल समझी जाऊगा, ठीक है। प्री बोर्ड पेपर देखी चलो, नाल नाल वीडियो देखी चलो। उस तो बाद आ जाइए कविता, ठीक है। कविता चो आ जाएंगे, मतलब ओहो थानू पता ही होगा ऐतकी आपू नहीं आने की नाम आता, हाँ प्रसंग व्याख्या नहीं आनी, आपू आनी है MCQ दे विच, ठीक है। सो ये थानू ठीक है चार मैं थानू दस दिना MCQ वगैरह आएंगे, ठीक है। तो उस तो बाद सॉरी जिहड़े उत्ते वाले आ चार MCQ आएंगे। उस तो बाद कहानी चो थानू सॉरी कहानी नहीं कविता चो थानू लाइन पूछी जाऊगी, ठीक है। फिर उस तो बाद आंसर दे देने, ठीक है। बिच ही हो गए बस एक ही थोड़े तो क्वेश्चन अलग पूछा जा सकता कि यदा शब्द का अर्थ दसो, ठीक है। चार नंबर ये पक्के ही समझो अपने, ठीक है। उस तो बाद आजगा पद्यांश में से, पद्यांश थानू पता ही होगा एक पैरा दिता होगा, उस आंसर लभड़िया वो तो भरा बड़ा सौखा ही, वो तो भी अपन चार नंबर प्राप्त हुए, मतलब 12 नंबर अपने पक्के जे, ठीक है। फिर अपना आ जाता सॉरी सॉरी पद्यांश में से, पद्यांश में से मैं थानू ये समझाई दिना, जिमें आप चार थानू मैं कहा प्रायवाची वगैरह चो आने, ठीक है। सो जिहड़े मैं दसे शुरू च, उस तो बाद मैं थानू कहा कि कहते थानू पद्यांश में से आ जाऊंगे, ठीक है। पद्यांश ज आ देख लो जिमें जिन्हें भी थोड़े लैसन आ, ठीक है, उस MCU जाएंगे, ठीक है, वह पद्यांश का, ठीक है। तो जिहड़ा मैं थानू कहा कि कविता वगैरह चो पूछे जाएंगे, एवें थानू कविता दिती जाऊगी, थानू वो आंसर दे देने बिचों ही होने, ठीक है। ये चार नंबर भी पक्के समझो, मतलब शुरू के 12 नंबर तो पक्के समझो, क्योंकि इन्नी तो पुछ गिछ हो ही जाती है, ठीक है, ठीक है। सो पद्यांश में से हो गया। उसके बाद आ जाता जी मुहावरे और लोकत्रिय, ठीक है। सो देखते हैं 3 नंबर दिया, सो देखते हैं क्या है तेरी, ये भी बहुत सौखा भरावो, ये तो देख लो किवें करना। ये तो थानू की कहें मुहावरा दिता जाऊगा तो वह सही अर्थ दसना, जिवें जी भराना तो की है मुश्किल काम, ठीक है, बुरी तरह प्रजात करना, ठीक है, मन विकल्प होना, ठीक है। अरे ये बड़ा ऑप्शन है। उसके बाद दूध का धुला मुहावरे का क्या अर्थ होगा, ठीक है। सो दूध का धुला थानू पता होगा इज्जत बचा लेना, थोड़ा सा सहारा, अधिक थक जाना, ठीक है। सो यदा तुसी देख लियो आप हल किया होया है प्रेषण पत्थर, ये थानू कमेंट सैक्शन च मिलूगा, ठीक है, प्लेलिस्ट च ये बार चैक कर लियो, ये भी बहुत सौखा, ठीक है। सो 3 नंबर ये भी पक्के कर लो। सो अपने किन्ने नंबर पक्के हो गए, 15 नंबर पक्के हो गए, ठीक है, 4, 8, 12, 15, हाँ 15। फिर उस तो बाद आज 5 नंबर का अपेटे गद्यांश, ठीक है।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ MCQ ਵਗੈਰਾ ਤਕਾਲ ਕੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿੱਧਰੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ, ਚਾਰੋ ਵੇਦਕ ਰਚਨਾ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 20 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮਰੂਪੀ, ਭਿਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਸ਼ਬਦੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਏਕ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਲੋਮ ਸ਼ਬਦ, ਅਨੇਕਾਰਥਿਕ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਕਯ ਸ਼ੁੱਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਯੇ ਵੀ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਯੇ ਕੈਸੇ ਆਏਗੀ। ਹਮੇ 6 ਨੰਬਰ ਕਾ ਐਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇ ਕੈਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰਵਤ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਪਰਵਤੀ ਹੋਗਾ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋਗਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਕੋ ਆਪ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਹਮੇ ਕਿਆ ਪਤਾ। ਪਰਿਨਾਮ, ਪਰਿਮਾਣ ਔਰ ਪਰਿਨਾਮ ਸ਼ਬਦੋਂ ਕਾ ਕ੍ਰਮਾਰਥ ਮਾਪ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੀਜੀਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਕੋ ਇਸਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਪੁੱਛਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਕਤ ਸਦਾਨੋ ਕੋ ਭਰਨਾ ਹੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਵਿਲੋਮ ਸ਼ਬਦ ਆਪਕੋ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਦਾਨਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਲ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਸਹੀ ਅਰਥ के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। सो सही अर्थ फल का सही अर्थ, ठीक है, क्या होगा, लाभ, ठीक है, लाभ और परिमाण परिणाम, ठीक है। सो ये होगा गगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मुझे भारी प्यास लगी है, इस वाक्यों को शुद्ध करके लिखें, मुझे भारी प्यास लगी है, ठीक है। सो इसे सही करके लिख देना है और ये भी नंबर आपके 6 नंबर अच्छे से आ जाएंगे अगर आप थोड़ी सी घुसमुस कर लोगे, ठीक है। हाँ जी, हमने कर दिए तुम्हारे 26 नंबर पक्के। उसके बाद आता है निबंध या एकांगी से, ठीक है, निबंध, ठीक है। सोच लो निबंध जेड़े है गया ते जेड़ियां एकांगियां है गया थोड़े चो, वो जो थानू प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि होंगे दो दो नंबर दे, ठीक है, ठीक है। सो इस दो दो नंबर दे नहीं दिते हुए, बट एक एक नंबर च दिते हुए, ठीक है। 4 नंबर तो ही आना सी, एक एक नंबर च दिते हुए, बट आपां नू क्या पता हुण दो नंबर च आ जाए फाइनल एग्जाम च, ठीक है। सो देख लो जिमें लेखक के अनुसार हमारे देश के किन दो, इस दोस्तों एक एक लाइन वाले आ जिस थानू एक शब्द याद करना हुंदा, बाकी लाइन प्रेशन चो ही मिल जाती है, ठीक है। सो एक एक नंबर वाले जरूर याद कर लो, 4 नंबर का पेपर आऊगा, ठीक है। बाकी याद नहीं भी करूँगे, नाल दे बैठे होणगे थोड़े तो उस पुछ लियो, बस एक शब्द ही आ। सो उस तो बाद आंदा जी अपना निम्न लिखित प्रेशनों में से गिणी 3 के उत्तर दें, ठीक है। सो देख लो कहानी और निबंध और एकांगी, ठीक है, ये तिना चो, ठीक है। 5 क्वेश्चन चुकणगे, ठीक है, एक कहानी चो चुकणगे, एक चुक दो दो मेरे सामने दो इन्होंने कहानी चो चुक लेने, दो निबंध चो चुक लेने आई थिंक, ठीक है। सो उन्होंने चो तुसी मैं तो कहना जिहड़ी सौखी लग रही है थानू वो कर लो, जिवें निबंध सौखी लग रही है वो कर लो, कहानी कर रही है दो चंगी तरह कर लो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुसी कर सकते हो, ठीक है, जिवें निबंध चंगी तरह कर लियो, ठीक है, निबंध ते कहानी एकांगी सौखी लगती है, एकांगी कर लियो, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 करने हैं जो कि होंगे थानू 6 नंबर दे, जिवें तुसी इत्थे देख सकते हो, इत्थे तुसी देख सकते हो मंदिर में लगाए विश्लेषण का क्या, ठीक है। सो सूरज डूबने से पहले गुम गुम हो, ठीक है, समझ लग गई होगी यार, हमें इतनी हिंदी नहीं आती। हाँ जी, उसके बाद आ जाता है जी कहानी, निबंध, एकांगी, ठीक है। इनमें से 5 बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपने 3 करने हैं जो कि होंगे 12 नंबर के। हे हे हे, यही तो है, यही है, तो यही है आपको अगर चाहिए 80 में से 80, तो यह है उसका नाम बाण, ठीक है। इसे आपको चंगी तरह करना होगा, ये वाले क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ कैसे आएंगे, ठीक है। सो सबसे बड़े होंगे ये क्वेश्चन, ये सुन लो मेरी बात, ठीक है, सबसे बड़े होंगे ये क्वेश्चन। जैसे ममता का चित्र लिखें, माँ का कहानी का उद्देश्य क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है रजिंद्र बाबू, ठीक है। सो ऐदा ही आ जाएंगे, रजिंद्र बाबू की बनावट और वेशभूषा बताएं, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि दूसरे लोग, ठीक है, सूखी डालीगा किसे हमें क्या शिक्षा, ठीक है। इस शिक्षा वर्ग ही ज़्यादा आने हैं, ते आ लघु कथा की या यार यहोजे ही ज़्यादा आने हैं। उस तो बाद देख लो पंजाबी में हिंदी में अनुवाद करें, ठीक है, 30 तो 35 शब्दों के, ठीक है। सो जिन्हिया भी 30 तो 35 शब्दों थानू दिस रही ने, ठीक है, थोड़ी बुक या वर्कबुक दिख रही है
वो चंगी तरह कर लियो क्योंकि यह आपां नूं आऊगी 4 नंबर दी, ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ ਵਿਗਿਆਪਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰ ਲਿਓ, 4 ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੱਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੂਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਸੂਚਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਵੇਦਨ। ਇਹਨਾਂ 3 'ਚੋਂ 2 ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਲੱਗਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕ, ਇੱਥੇ ਵਰਕਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ, ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਆਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡਿੰਗ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇਖ ਲਓ, 2 ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਮ ਪਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਮੁੰਬਈ ਕੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ ਲਿਖਣ, ਅਨੁਛੇਦ ਲਿਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ ਐਤਕੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ ਲਿਖਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਸੌਖੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ 5 ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ, 1, 2, 3, 4 ਸਪੈਲਿੰਗ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਕੁ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਜੂਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ 5 ਅੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਕੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਐਤਕੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ।